सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारे पास बचपन से ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन ले, नहीं तो कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बहते अशकों की जुबा नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। आज का पंचांग 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 2:09 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 3:15 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपकी आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ना है। आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगी। आप जो भी करते हैं उसे आप उसे आधे वक्त में ही कर लेंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। कुछ खरीदने से पहले उस चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। दूसरों की कमियां ढूंढने का गैर जरूरी काम रिश्तेदारों के आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होता है। बेहतर रहेगा कि आप अपनी यह आदत बदल लें। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगी। यह प्यार की मधुसी है, इसे महसूस करें। आने वाले समय में दफ्तर में आपका आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। इस राशि सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप निराश हो सकते हैं। आज आपके लिए आज निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है। आप भविष्य में इन सभी मोर्चों पर प्रगति देखेंगे। अपने अच्छे मूड के लिए आज फिजोरी कलर में कुछ पहनें। शाम का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपके अपने ही प्रयासों से अधिकांश कार्य आसानी से बनते जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ज्यादा फायदे की समस्या नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व संतुलित रखने में सक्षम रहेंगे। अपेक्षा के अनुसार आर्थिक मदद मिलने के बाद भी समस्या को सुलझाने में वक्त लगेगा। फिलहाल आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की जरूरत है। हर बात में संयम बनाए रखें। बड़े सपने को साकार करने में वक्त लगेगा। जिस कार्य क्षेत्र का चुनाव आपने किया है उस पर ही टिके रहें। इस काम के जरिए आपको अपेक्षा के अनुसार फायदा मिलेगा। पार्टनर से बातचीत करते रहेंगे तो गलतफहमियां दूर होगी। सिर दर्द और बुखार भी हो सकता है, अपना पूरा ख्याल रखें। संतान शोक और भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। सहयोग की प्राप्ति हो सकती है और कामकाज पर सुखद वातावरण भी रह सकता है। नौकरी आपकी सामान्य रहेगी। व्यर्थ कार्यों में समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। सिर दर्द भी हो सकता है, गर्दन में तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, लोगों के साथ मेलजोल रखते समय अपनी गरिमा बनाए रखें। व्यर्थ की बहसबाजी में ना पड़े, किसी भी कार्य में ज्यादा जोखिम ना उठाएं। किसी संबंधी के ईर्ष्यालु व्यवहार की वजह से आपका मन अशांत रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। इससे पहले कि आप दूसरों से प्यार की अपेक्षा करें, आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आपको आज कहीं बात स्पष्ट रूप से सीखनी है। यह समय आपके लिए अपने समय की आवाज सुनने और खुद को
वह प्यार और इज्जत देने का है जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद आपको प्यार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके जगह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारण अच्छे और सार्थक लोग खुद आपकी जिंदगी में आना चाहेंगे। दाम्पत्य संबंध अच्छा रहेगा, घर में सुकून भरा वातावरण रह सकता है। आज आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आपको लगेगा कि आप किसी चीज की खोज में हैं और अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटना चाहते हैं। उनके साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत में समय बिताएं। बातचीत से घर में सुख शांति भी बढ़ेगी। बात करते हैं करियर की। आज ये संभव है कि आप उस वस्तु से धन प्राप्त करें जिसे आप शौक के खातिर करते हैं। ये धन का स्रोत सामान्य आजीविका के समान नहीं होगा। यदि आप खेल कला या फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं, तब इनसे आपको धन की प्राप्ति के तरीके मिल सकते हैं। इस विशेष अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आज उनके लिए शुभ दिन है जो नौकरी बदलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये विचार आपके मन में कई दिनों से आ रहे हों, लेकिन आपने सही प्रस्ताव को देखकर अपना मन पक्का बनाया हो। आपको आगे चलकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए जिससे भविष्य उज्जवल हो सके। कुछ समय से आप झूठ बोल रहे हैं। आज आप आय के नए तरीकों का लाभ उठाने के लिए अपने निर्णय में नयापन ला सकते हैं। आप में अपनी ताकत या खुशी का आनंद लेने के लिए दीवानापन रहेगा और वह काफी सशक्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य रहेगी। व्यवसाय संबंधी सभी काम योजनापूर्ण तरीके से निपट जाएंगे। साथ ही कुछ नए जिम्मेदारियों को लेकर भी रुचि जागृत होगी। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलने की संभावना है, लेकिन दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल ना दें। आपको यदि कोई समस्या लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह आज खत्म हो सकती है। आपके अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर यदि कोई चिंता चल रही है तो वह दूर होगी। आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको अपने कामों को लेकर सतर्क रहना भी होगा। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित आदतें सुधारनी होगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधित पैटर्न का सूची बना ले और हर रोज यह देखें कि आप इससे अलग तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ताजा पका हुआ खाना ही खाएं। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।